अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ असलम जावेद और मेरे साथ इस वक्त नूरी सरकार साहब हैं। आज एक नया मौजू लेके आए हैं कि जर्मनी से लोग क्यों जर्मनी को छोड़ के जा रहे हैं और जर्मनी क्यों नहीं जाना चाहिए, वजह क्या है। तो नूरी सरकार साहब, अभी इस वक्त की ये नई सूरत हाल ये है कोविड के बाद से कि बेशुमार लोग जर्मनी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, जो यानी कि वेल सेट थे और वापस अपनी कंट्रीज में जा रहे हैं या दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, क्या वजह है, क्योंकि आपने भी एक साल जर्मनी में गुजारा है। देखिए जी, जो मैंने चीज एक साल में सीख ली थी वहाँ से, तो मुझे पता चला एक साल में, मतलब अभी लोगों को अभी पता चल रहा है कि भाई जर्मनी क्यों नहीं रहना चाहिए। अरे मेरे पास जो रीज़न है, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे बड़ा रीज़न कि लैंग्वेज बैरियर। जर्मन लोग इतने अपनी मोहब्बत करते हैं अपनी लैंग्वेज के साथ कि वो इंग्लिश में बात करना पसंद नहीं करते। जर्मन लोग अपनी ज़बान से मोहब्बत करते हैं या दूसरों की लैंग्वेज से नफरत करते हैं? सर आप, अभी मैं कह देता हूँ कि मतलब वो इंग्लिश से नफरत ही करते हैं और इंग्लिश से नफरत करने की सबसे बड़ी वजह है कि दूसरी जंगे अजीम में बरतानिया ने उनको जो मारा था ना, शिकस्त दी थी, उसी की वजह से वो इंग्लिश से नफरत करते हैं और इंग्लिश बोलने वाले बंदे को पसंद नहीं करते, इसलिए वो इंग्लिश में जवाब भी नहीं देते किसी को। ऐसे ही आप बिल्कुल एक वहाँ जाके मफलूज हो जाते हैं, क्योंकि आप जाएंगे वहाँ पे पहले तो आपको साल एक समझ ही नहीं लगेगी कुछ, थोड़ी बहुत ही अगर आप जर्मन सीखना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू करेंगे, तो एक साल बाद दो साल बाद जो है समझ लेंगे आपकी सही लाइफ वहाँ शुरू होगी, क्योंकि आप कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कम्युनिकेशन ना कर सकें किसी के साथ तो आप क्या करेंगे, आप गूंगे बहरे हैं वहाँ पर। तो मतलब आपको ये पता कि ये चीज़ मैंने यहाँ उठानी है, यहाँ देखेंगे ये आपकी लाइफ है और घर में जाके सो जाए सुबह उठें और हाँ 9 से 5 ये पक्की बात है, कोई डिस्टर्ब नहीं होगी, जॉब का टाइमिंग यही रहती है। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी वजह दूसरा ये कि आपको पासपोर्ट जो है वो 8 साल या उसके बाद मिलता है अगर आप पूरी तरीके से लीगल भी हैं वहाँ पे, तो ये भी एक रीज़न। तीसरा रीज़न आपको बता दूँ, अभी जो हाल ही में कोरोना के दौरान जो हुआ है उसके बाद जो रिसेशन आया तो उनकी इकॉनमी जो है बहुत, मतलब इकॉनमी अभी भी कहते हैं हमारी स्ट्रॉन्ग है, पूरी जो है यूरोप की नंबर 1 इकॉनमी है, लेकिन असल में लोगों के ऊपर असर पड़ा है। जो गरीब आदमी है और जो अमीर आदमी है, मतलब वो ये इस तरह की बाउंड्री में रखते हैं बंदों को कि ना तो बंदा वहाँ कोई गरीब हो सकता है तो ना ही कोई अमीर हो जाता, एक लाइन में उसने रहना है। अच्छा, जिसकी सैलरी ज़्यादा, जो अर्निंग ज़्यादा कर रहा है उसके ऊपर टैक्स भी ज़्यादा लगेगा, जिसकी पैसे कम कमा रहा है उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा, तो सबको उन्होंने बैलेंस में रखा हुआ है। और एंड इन द एंड ये आ कि आपके जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, वहाँ के प्रॉपर्टी के रेंट भी ज़्यादा हो गए हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के भी ज़्यादा हैं, यानी कि जो आपका अकोमोडेशन रहता है, जो आप जहाँ रिहाइश करते हैं, हाँ जी, यानी कि वो भी यानी कि आपकी क्या कहते हैं बर्दाश्त से बाहर है। क्या आप अपने ऊपर खाना खाएं या पिए या उधर रेंट में दें या अपने मुल्क भेजें, ये बड़ा दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। मैं जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, उस दौर में 400 से 600 यूरो तक एक 1 बेडरूम जो है ना, जिसको हम जहाँ स्टूडियो कहते हैं या 1 बेडरूम हॉल कहते हैं, अपार्टमेंट 1 बेडरूम कहते हैं, वो मिल जाता था। अभी उसकी कीमतें जो डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा, और अभी जो लोग हैं जर्मनी से अनफ्ला कर रहे हैं, मतलब जर्मनी पेपर ही नहीं देता, फिर लोगों ने वहाँ पे असाइलम किया, जलालत ली, उनको डिपोर्ट किया, यानी बस असल में जो वजह हुई है ना, लोगों को ये पता चला जो वहाँ लीगल लोग थे ना, उन्होंने काम करना छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, हड हरामी पैदा हो गई है, तो उनको पता कि यार अगर फारग बैठे हुए हैं हमको थोड़ा बहुत गवर्नमेंट हमारा खर्चा दे रही है तो उनको क्या जरूरत है। तो वो कोरोना में ज़्यादातर लोगों को ये हो गया। अच्छा, तो जिसके 4-5 बच्चे हैं ना, जिस बंदे के, वो तो बस काम पे वो जाएगा ही नहीं, वो तो उसके बच्चों को भी मिल रहा है और उनको भी पैसे मिल रहे हैं, जिसको कहते हैं कि जो जॉबलेस लोग होते हैं, ठीक है जी, उनको वो 350 से 400 यूरो पर हेड देते हैं। अच्छा नूरी सरकार साहब, बेशुमार हमारे जो इंडिया पाकिस्तान और साउथ एशिया के जो लोग हैं वो उनकी प्रायोरिटी ये कि यार किसी तरीके से हम यूरोप चले जाएं और जर्मनी जाके सेटल हो जाएं, तो क्या मशवरा देंगे आप उनको? और जर्मनी का नाम था ना, जर्मनी असल में कौम है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, कौम एक जर्मन एक कौम का नाम है। जब दूसरी जंग अजीम हुई ना तो उनके पास कुछ भी नहीं था रहा, उन्होंने फैसला ये किया कि भाई हम सब लोग जो हैं सिर्फ आलू काश्त करके 1 साल हमने आलू खाने। अच्छा, और जो पैसा हमारा हमें बचेगा उस पैसे का हमने क्या करना है,
अपनी मैशियत को मजबूत करना है, दोबारा खड़ा करना। अच्छा, तो उस कौम की क्या बात है, मैं आपको किस्सा सुना देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसकी शादी होगी जर्मन में, तो जैसे हमारे पाकिस्तानियों को हरकतें करने की आदत होती है, तो उसने कहा कि ट्रेन में कौन सा जहाँ टीटी चल रहा है, तो मैं जो है टिकट नहीं लेता, मैं अपनी बीवी की टिकट ले ली है, तो ट्रेन में अपनी टिकट नहीं लेता। तो उसने ले ली, तो जैसे ही उनका स्टेशन आया, वो उतरने वाले थे, तो उतने में ना वहाँ से एक टीटी और ट्रेन के अंदर आ गया। तो वो औरत वहीं खड़ी होगी दरवाजे की, हाँ जी हाँ जी, चेकर जो होता है वहाँ आ गया, औरत दरवाजे के आगे खड़ी होगी, और उस चेकर को उसने बुलाया कि भाई इधर आओ, ये मेरा खावंद है। अच्छा, वो जर्मन औरत थी? जी जर्मन औरत, तो हमारा ही पाकिस्तानी था। हाँ जी, 2 यूरो की टिकट थी, 2 यूरो की सिर्फ। उसने कहा जी ये मेरा हस्बैंड है, इसको फाइन करो, और क्योंकि इसके पास टिकट नहीं है। तो उन्होंने देखा कि वाकई टिकट नहीं, तो 200 यूरो का फाइन कर दिया, और उसका हस्बैंड उसको ऐसे देख रहा है। उसका थी मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ ज्यादा कर लो, कोई मसला नहीं, मेरे खानदान वालों से कर लो, कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन अगर तुम मेरे कौम को नुकसान पहुँचाओगे, मेरे मुल्क को नुकसान पहुँचाओगे, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये है कौम, जर्मन को ऐसे नहीं कौम करेंगे। आज आपने सर लाजवाब, दिल खुश कर दिया बात लेके, क्योंकि लोग अपने अपने मुल्क से कितने सिंसियर हैं, बड़े सिंसियर, और एक हमारे गैरत लोग हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, जो मुल्क को बेच के बाहर चले गए। आज का मौजू नहीं है, वरना अभी हमारा वो लावा उबल पड़ेगा, तो हमारा कोई सियासत से कोई लेना देना तो है नहीं है, सियासी गुफ्तगू हमने करनी भी नहीं है, आपको पता ही है। नहीं नहीं, बिल्कुल, आजकल के हालात कैसे चल रहे हैं, बिल्कुल हमने आना जाना भी होता है। मेरा क्या ताल्लुक, मेरा तो भाई नहीं, नहीं भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं, हम बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिरेंगे। तो मतलब ये है कि भाई जो हो रहा है देखें, इसका काम उसी को, मैं जर्मन की एक मिसाल दी कि वो कौम है। अभी ये लोग जब चीज़ें देखते हैं ना कि वो कौम डेवलप कैसे हुई है, मतलब कौम थी वो, अभी वहाँ रहने के हालात कुछ नहीं है। अभी वो कहते हैं आओ हमारे मुल्क में रहो, हमारे मुल्क काम, सख्ती इतनी है, महंगाई इतनी हो गई है, लोग सर्वाइव नहीं कर रहे। अभी देखें स्पेन जो है वो पेपर ओपन कर रहा है, सेम कॉपी कर रहा है पॉलिसी की जो पुर्तगाल ने की है, एक साल रहो पेपर लो जाओ जो मर्जी करो, आज़ादी दिया जाए। यार वैसे ये बात तो मैंने मानने की है कि जो पुर्तगाल ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है कि दुनिया भर के लोगों को बोल रहे हैं कि आप आओ हमारे यहाँ पर 12 महीने टैक्स दो और हम आपको लीगल कर देंगे, यानी कितना वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं यार, शाबाश। ये तो बेवकूफ़ है, मतलब दूसरी जो है उनको बांध के रखने से उनको क्या बोलते हैं वो जो बोल लेते हैं उसको फ्री का जो फंड खाते हैं, मुझे डॉल कहते हैं उसको, डॉल हाँ नहीं, वो जो पैसे लेते हैं वो डॉलम के बाद असालम में जो जो पैसा मिलता है उसको डॉल ही कहते हैं। हाँ जी, वो खाते रहते हैं पर काम करते नहीं है, और उनको आदतें पड़ गई इतनी, उनको पता भी गवर्नमेंट हमको संभाल रही है, ये अभी गवर्नमेंट आ गई है तंग वहाँ गई, वो कहती है आओ इधर काम है आगे करो, लेकिन फिर भी उनके जो बैरियर हैं वो वैसे ही है, लैंग्वेज बैरियर रहेगा, जो मर्जी हो जाए बंदा वहाँ कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए जर्मन मैं कहता हूँ जी ना जाएं, अगर आप लैंग्वेज पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे तो आप जर्मन ना जाएं, अगर आप अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपकी फैमिली है तो आपको खा पी के थोड़े से पैसे बचने हैं। अच्छा जी, आखिरी सवाल करूँगा नूरी सरकार साहब के, हमारे यहाँ से जो अनस्किल्ड यानी कि जो लेबर तबका है, जो वो गैर कानूनी तौर से जर्मन में एंटर होना चाहते हैं या वैसे जाना चाहते हैं या विजिट वीज़ा लेके वहाँ पर असाइलम लेना चाहते हैं, तो उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेबर के लिए क्या सूरत है वहाँ पर? भाई साहब लेबर का मतलब है कि जो बर्तन में मांझ रहा है ना, जाके धो रहा है, जाके होटल में किसी रेस्टोरेंट में, वो सबसे छोटा काम है, यही कह सकते हैं। कुत्ते नहीं डालने वाला, हाँ कुत्ते ना, मतलब ये तो एक नाम बन गया, मैं पता चले वहाँ को वाशरूम साफ करने वाला कह रहा है। आजकल ये ट्रेंड भी चला हुआ है कि वाशरूम को, वो एक खातून है वो खबर वो जो शो आता है थोड़ी बदतमीज़ सी खातून है, वो उन्होंने एक दिल अजाई की है बहुत सारे परदेशियों की भी, तो कहते हैं वहाँ जाके पता नहीं वाशरूम साफ कर रहे हैं और यहाँ आके काटने का सूट करना। यार उस औरत की बात ना करें, बात सुन ले, वो औरत सच्ची हो, सही औरत, उसने बिल्कुल सही बात की है। हम लोग अपनी बात को ना, हम अपनी यानी कि जो हमें जो बुराई है हम वो दिखा बताते नहीं है, वैसे हमें क्या क्या नहीं करते हैं सर, आप फिर उन्हें ममालिक में जाके लोग वाशरूम भी साफ करते हैं। बात सुन ले, जर्मनी के अंदर सबसे ज्यादा पैसे पता कौन बंदा लेता है? जो वाशरूम साफ करता है, आपको इस बात का पता है? और जो किचन साफ करने वाला, वाशरूम साफ करने वाला, उसकी पेट सबसे हाई है, क्या आपको पता नहीं? अच्छा एक बात बताएं, अगर भाई मैं सच्ची बात बता दूं, अगर मैं भी जाना जाऊँगा ना उधर में, अगर मुझे जर्मनी नौकरी मिलता है वाशरूम साफ करने कर लूँगा, भाई पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं ना, हम यहाँ पर काय के लिए कमाएं, पैसा कमाने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ बन गया ट्रेड, बन गया कि अगर वाशरूम साफ करने वाला जमादार है और वो करता है, कॉटन का सूट पहन के घूमते हैं। जर्मन, आप जापानियों को देख लें, मैं तो जापान से हो गया, जापान में हफ्ते में
दिन ऐसा होता है कि वो टीचर समेत पूरी क्लास जो है वॉशरूम साफ करती है सारे, पता है आपको इस बात? चलें, ये मौजू एक अलग मौजू है, साफ करती है, ये मौजू एक अलग है। अभी जर्मनी के हवाले से बात करें कि जर्मनी में जो हमारे जो लेबर लोग यहाँ जाते हैं उनके लिए भाई साहब वो ये मैं काम बता रहा हूँ कि मतलब उनका कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है, जर्मन नहीं आएगी जमान, आप पागल हो जाएंगे, आप बिल्कुल आपके जो बाल हैं अगर पूरे सर के ऊपर वो ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल असलम भाई जैसे हो जाएंगे, आप देख लें कोई बाल नहीं देगा, अगर बहुत बरकने बाल हैं बिल्कुल, अगर बात नहीं गिरते तो सफ़ेद हो जाएंगे, फिर आपको आएगी जर्मन लैंग्वेज। अगर आपको बर्तन भी धोने हैं तो आपको 2 साल की जर्मन लैंग्वेज और 3 साल का हाउस बिल्डिंग करना पड़ेगा, हाउस बिल्डिंग बोलते हैं तो वहाँ का डिप्लोमा, उसके बगैर आप काम नहीं कर रहे। तो 5 साल आप जर्मन को अगर देने को तैयार हैं तो फिर जर्मन जाए, बल्कि इसकी जो बनस्पत अगर देखें यूएस में। आखिरी सवाल छोड़ दें यूएस को, आखिरी सवाल ये है कि जो लोग जाके असालम लेना चाहते हैं, क्या असालम लेने वालों को डिटेंशन सेंटर में डालते हैं वो? सर डालते तो हैं लेकिन वो आज़ादी भी होती है, बाहर लोग घूमते फिरते हैं शाम में, वो आ जाते हैं डिटेंशन सेंटर आके सिगरेट शीर पी के, फिर अच्छा। जहाँ खाना खाना पी के, और वहाँ पे ना वहाँ पे क्या खाते पीते हैं मैं बताऊँ, हराम हलाल सारा कुछ खा पी लेते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, वहाँ सारा कुछ खाते पीते भी हैं सारा कुछ। चलें जी चलें जी, हराम हलाल की बात कर दी तो जाएँ इन्जॉय, अगर आप जाते हैं इन्जॉय करना चाहते हैं जाएँ, मेरा मशवरा है कि ना जाएं। सूफी साहब की बात जो है, नूरी सरकार साहब की बात पर आप अमल करें कि जर्मनी में जाकर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अगर तमाम मुश्किलात का सामना कर सकते हैं तो आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। मेरा मशवरा दे सकता सर मैं, जर्मनी जाने से 100 गुना बेहतर है कि आप पुर्तगाल जाकर एक दफ़ा पेपर ले लें, फिर पूरा यूरोप आपके लिए ओपन है जहाँ मर्जी जाए। सारे ये कर रहे हैं। चले जी, आज के की वीडियो का हम ये इख्तिताम करते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो गई, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। असलम जावेद नूरी सरकार को अल्लाह हाफिज़।